नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, कलर्क का हो, किसी का भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी बात कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको दिक्कत हो रही है फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को करने में। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन में होता क्या है दोस्तों, हमें ट्रायंगल, आयत, स्केयर ये निकालने होते हैं एक आकृति में से, वही कितने त्रिकोण बनते हैं, कितना स्केयर बनते हैं, कितने आयत बनते हैं इसमें से, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात कि दोस्तों ये हम काउंट करने लग जाते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और काउंट करने के बाद भी हमारा आंसर ठीक नहीं निकलता। हम देखते हैं आज के बाद आप आकृति को लेकर आपकी हर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो एक लॉन्ग मेथड तो ये है कि हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर हम इसको देखेंगे 10, 11, 12, 13 और 14। एक तो ये मेथड है। देखो ये इस मेथड में तो हम हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि छोटी आकृति है तो निकल भी जाता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर गलत ही होता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, हमको स्केयर निकालना है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। देखो दोस्तों, ये जो पहला जो मैं बताऊँगा आपको नियम, ये जब वहाँ अप्लाई होता है जहाँ कॉलम और रो सेम हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ऐसे में हमको करना क्या है, हम जो संख्या है इनका स्केयर करना है। देखो दोस्तों, 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर। देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 9 और हम इसको जोड़ लेते हैं, 9, 4, 13, 1, 14, हमारा आंसर है 14। अब देखो दोस्तों, यदि आकृति ऐसी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आकृति ऐसी आ जाती है, ऐसी आकृति आ जाए तो हम क्या करें, है ना। इसमें तो कॉलम भी अलग है, रो भी अलग है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं कॉलम को भी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो हमको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग रूल हो जाएगा हमको। देखो पहले हम इसको देख लेते हैं, 4, 4, फिर यहाँ से 3 गुना में 3, फिर प्लस क्या है, यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ से 2 ले लेते हैं, 3 × 2, 3 × 2, फिर यहां से 2 ले लेते और यहां से 1। देखो दोस्तों, हमको तब तक करना है तब तक 0 ना आ जाए। अब आगे करेंगे तो 0 आएगा तो हम नहीं करेंगे उसको, और हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 2 = 2। अब देखो दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा, 18 और 2 = 20, हमारा आंसर है 20। इस आकृति में 20 स्केयर है। अब देखो दोस्तों, ये वर्ग की स्केयर की जगह यदि हमसे पूछ लिया जाए कि आयतें कितनी हैं, आयत कितनी है, कि यही आकृति ले लेते हैं और इसे पूछ लिया जाए कि आयत कितनी है। देखो दोस्तों, आयत क्या होती है, देखो स्केयर तो ये होता है और आयत ये होती है। मतलब क्या है कि जो स्केयर होता है उसकी 4 भुजा बराबर होती है और आयत की 2 भुजा बराबर होती है आमने सामने की। जैसे कि इसकी ये आमने सामने की है और इसकी ये आमने सामने की है। तो देखो दोस्तों, जितनी भी वर्ग है वो आयत भी है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो देखो दोस्तों, 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, ये भी है, ये भी है,
तो हम काउंट करने बैठ जाएं तो बहुत टाइम लगता है, तो हम डायरेक्ट एक इसका मेथड करते हैं। हमको करना क्या है, देखो दोस्तों, आकृति ले लेते हैं हम, तो हमको पहले की तरह ऐसे ही इसको एक बार देखना है, एक दो तीन, एक दो तीन। तो देखो दोस्तों, हम इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, और हम इसको गुना कर देते हैं, 6 6 36। यदि पूछा जाए कि इस आकृति में कितनी आयतें हैं, तो कितनी हैं, 36 आयतें हैं। देखो दोस्तों, अब इसी आकृति को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये, अगर ये पूछ लिया जाए, कितना भी बड़ा कर सकते हो आप इसको, कि इसमें आयतें कितनी हैं, तो वही हम एक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 3। हम पहले इनको जोड़ लेते हैं, 5 से 9 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो हम इसको यहाँ 15 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3 2 5 1 6 गुना में 6, मतलब क्या है, 15 6 90। ये हमारा आंसर 90। इस ऐसी आकृति में यदि पूछा जाए तो हमारे जो आंसर है वो कितनी है आयतें, 90। देखो इसमें भी सेम मेथड था, आयत यदि पूछी जाए तो, और इसमें भी सेम मेथड है, हमको गुना करने हैं इनको जोड़कर, और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, देखो दोस्तों, यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिकोण कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, तो एक सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा मेथड है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमको करना कैसा है, देखो दोस्तों, हम इसको एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमको करना क्या है, जो ये 8 है इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाता है कि इस फिगर में 16 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यदि आ जाए कि सिंपल इतना ही आ जाए कि इसमें कितनी त्रिभुज है, तो वही मेथड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ऐसी आकृति मिल जाए हमको, और हमको बताना पड़ जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि ये एक आकृति है, हमें इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो देखो दोस्तों, 1 2 1, ये पूरी 3, मतलब 3, तो एक इसको ही आप एक देखे फार्मूले से, 1 और 2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। ये सवाल ऐसे निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसे आकृति। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्ट, ऐसी कोई आकृति है और हमको त्रिभुज बताने हैं कितने त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और हम इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 7 3 10, तो इसके अंदर 10 त्रिभुजे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। इसके बाद हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमको बताना है कि इसमें कितने आयत है, तो हम इसको कैसे निकालें। देखो दोस्तों,
इसका कोई मेथड नहीं है, हम इसको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, 11 इसमें आते हैं। देखो दोस्तों, जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसी आकृति में से पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि आकृति में कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिकोण हैं। तो देखो दोस्तों, यदि आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम ये बाहर के कोण गिनते हैं, 1, ये फिर ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3, 4, अगर 4 आते हैं तो आपका आंसर 27 होगा, कि इसमें इस आकृति में 27 त्रिभुज है। और ऐसे ही इस आकृति में आ जाते हैं 1, 2, 3, अगर 3 है तो आपकी आंसर 13 होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो है एक ऐसे आप डायरेक्ट याद रख पाए। ज़्यादातर 4 का और 3 का ही पूछा जाता है। यदि फिर भी आप चाहे कि 5 में कितने होंगे, तो 5 में 48 त्रिभुज होते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि हम मेथड से करें कि कैसे निकला है, तो हम करते हैं। देखो दोस्तों, कैसे हम यदि 1 का स्केयर करते हैं, सॉरी 1 में यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 3। 1 में यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 3। और 3 में फिर हम 3 जोड़ते हैं, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 में फिर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना, 6। फिर 3 के बाद 4 आता है, 2, 3, 4। यदि 6 में हम 4 जोड़ें तो कितना बनता है, 10। 3, 2, 3, 4, फिर 5। यदि 10 में 5 जोड़ दें तो कितना बनता है, 15। ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा क्रम। 5 में यदि हम 6 इसमें सॉरी 15 में यदि 6 जोड़ देते हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 21। ये ऐसी सीरीज चलेगी। अब देखो करना क्या है, हमको ये काउंट करना है कि 1, 2, 3, 4। तो हमको ये जो है ये इनको ऐसे लिख लेना है, 1 फिर क्या है, 3, 6, 10। देखो यहाँ पर 4 तक है तो हम यहाँ पर भी 4 तक लेंगे। और हमको करना क्या है, देखो दोस्तों, नीचे का छोड़ देना है, उसके जो ऊपर का उसमें हमको सर्कल कर लेना है। मैं बताऊंगा क्यों क्यों सर्कल करना है आपको। इसके बाद फिर 3, फिर उसको 1 छोड़कर 1 सर्कल करना है। पहला नीचे नीचे से पहला छूटना चाहिए दोस्तों, फिर उसके बाद सर्कल, फिर 1 छूट जाएगा, फिर उसके बाद सर्कल। अब करना क्या है, हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं, 10, 6, 16, 16, 3, 19, 19 और 1, 20। और हमको ये जो सर्कल है, सर्कल में जो अंक है, इसको दोबारा जोड़ लेते हैं, 6 और 1, 7, मतलब 27। हमने कहा था कि 4 में 27 त्रिकोण होते हैं। ऐसे ही हम इस पर आ जाते हैं, देखो 1, 2, 3, हम इसको हमारी जो सीरीज है इस पर आते हैं, फिर 1, 3, 6, नीचे का छोड़ दिया, फिर इसके ऊपर का हमने सर्कल कर लिया, 6, 3, 9, 1, 10। और हमको ये फिर जोड़ना है, 3, मतलब आपका आंसर 13 है। अब हम आते हैं, देखो दोस्तों, हमने जो अब तक किया है, ऐसी आकृति भी आ जाती है कई बार। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, देखो दोस्तों, इसका जो हमारे पास मेथड था वो क्या था, हमको करना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 को हमें 2 से गुना करना है। इसका जो मेथड था वो यही था, 8 × 2 = 16। इसका मतलब ये भी 16 है, और इसका मतलब ये भी 16 है, और इसका मतलब ये भी 16 है, और ये भी 16 है। और हम इसको जोड़ देते हैं, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 16 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 80। 16 पंजे कितने होते हैं, 80।
पाँच छः 31, 5, 6, 8, मतलब क्या है इसमें 80 त्रिभुज है, 16, 16, 16, 16, 16। अब आते हैं इस आकृति में, हमने ये निकालने का क्या मेथड था हमारे पास, दो मिनट। देखो दोस्तों, हमने ये निकाला था ऐसे करके, तो एक दो और हमने इसको जोड़ दिया था, एक प्लस दो मतलब तीन, ये तीन है ऊपर ऊपर का जो है, ये तीन है, तो ये भी तीन है, ये भी तीन है और ये भी तीन है, और इसका वही मेथड है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह और बारह, तीन 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 तीन, चार बार चार तीन बारह, मतलब क्या है कि ये इसमें 28 त्रिभुज है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप मेरे चैनल को सुनो, मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।